रुद्रप्रयाग में जुवाड़ी बाईपास के रेलवे निर्माण में लगी निजी कंपनी के टनल में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने आक्रोशित होकर 2 घंटे से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा रखा है। बता दें मृतक की डेड बॉडी अभी तक टनल के अंदर है। वहीं पुलिस प्रशासन तहसील प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और मामले की छानबीन जारी है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया है कि कंपनी के अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बता दें स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी भी मौके पर मौजूद है और कंपनी के अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। विधायक चौधरी ने कहा कि मृतक युवक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, साथ ही कारणों और लापरवाही के लिए जांच करवाई जाएगी। पिछले 2 घंटे हो गए अभी तक, और वो अपना ही भाई था, अपने बीच का था। वो रेलवे टनल के अंदर खबर आई कि उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग यहाँ पे आए तो आरबी टनल का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी होता है वो यहाँ पे नहीं था, और हमने थाने में तक गए, वहाँ पे भी कोई उनका नहीं मिला, और हम लोगों ने उसके बाद हाईवे को बंद कर दिया है। देखिए जो यहाँ पर रेलवे की कंपनी आरबीएनएल है, इनके द्वारा घोर लापरवाही यहाँ पर की जाती है। जितने भी कर्मचारी इनके द्वारा रखे गए हैं, ना उनका अभी तक कोई बीमा किया गया है और ना ही उनकी सेफ्टी के लिए ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं जिससे उनकी जान को खतरा ना हो। और आज फिर एक बार जो हमारे यहाँ का स्थानीय निवासी सुनील, उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है, ये आरबीएनएल की लापरवाही है। जिसके बाद आरबीएनएल के जीएम एचएन सिंह, जो कि बहुत ही भ्रष्ट है, वो यहाँ से मौके से भाग चुके हैं। देखिए मेरी कंपनी अधिकारियों से बात हो गई है, कंपनी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो कर्णप्रयाग में हैं और वो तुरंत यहाँ पहुँच रहे हैं। इनके जो CPM हैं, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मिस्टर अजीत यादव, उनसे भी मेरी बात हो गई है। आधे घंटे के अंदर कंपनी के अधिकारी और आरबीएनएल के अधिकारी मौके पर पहुँच जाएँ।